Salatu salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habiballah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewer. Aaj main aapke saath ek bahut chatpat recipe share kar rahi hoon aur wo hai banana milkshake. To banana milkshake banane se pehle aapse main thoda sa kele ke benefits aur uski purchase se mutalliq aapko kuch batana chahungi tips. To viewer koshish kijiye ki jab bhi aap kela khareedein to kela bilkul bite na ho, corner uske hare na ho, बल्कि उसको इस तरह बारीक बारीक सी चित्रियाँ सी बनी हुई, इन्हें चित्री कहते हैं, ये निशान बनी हो. सेकेंडली, आप जब भी केले ख़रीदें तो आपने ये देखिए इसकी केले की आपने कोशिश करनी है कि जब भी ख़रीदें आप इसका एक पंच ही ख़रीदें और उसमें चेक कर लीजिए कि आपके केले सही हों. अगर आप कोई केले इसके पंच के बगैर, जो लोग केले ख़रीद लेते हैं या शॉपकीपर की कोशिश होती है कि हम ऐसा केला डालें जो पंच के बगैर है, तो उस केले में क्या होता है कि कंटेमिनेशन का, यानी कोई ना कोई हमें एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सके. तो कोशिश करें बंच में ख़रीदें, केला पक्का हुआ हो, कॉर्नर्स कच्चे ना हो, बीच से कच्चा ना हो और गला हुआ भी ना हो. ओवरनाइट में ही गलने की पोजिशन में आ जाता है. केला हमारे लिए इंतहाई एनर्जेटिक है. साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ, कर लेंगे और काट रहे हैं. साथ साथ मैं आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, ये देखिए कि केले के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है. केला हमारे लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, हमारे बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा सोर थ्रॉट होते हैं और मुंह में भी उनके सोर्स अक्सर छाले निकलते रहते हैं. तो उसकी वजह यही होती है कि उनके अंदर पोटेशियम की कमी होती है. तो केला खाने से बहुत जल्दी हीलअप होते हैं. जिन लोगों को स्टमक में अल्सर्स का इशू हो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. उसके अलावा ये कि आप कहीं लंबे सफ़र पर या ट्रैवल के लिए निकले हुए हैं, शॉपिंग के लिए कुछ ज़्यादा आपको करनी है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो केला एक ऐसा बेस्ट सोर्स है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा भी होता है. इतना अच्छा अल्लाह ताला ने इसे पैक किया हुआ है. सेकेंडली, आप उसी वक्त से लेकर खा सकते हैं और इसके अंदर स्टोर एनर्जी बहुत होती है, यानी कई घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी. तो ये इसके फ़ायदे हैं. हार्ट का, जिन लोगों को इशू है, हार्ट को बहुत एनर्जी देता है, लो बीपी को एनर्जी देता है, हाई ब्लड प्रेशर को बहुत सुकून देता है, रिलैक्स देता है, नॉर्मल की तरफ लेकर आता है. और इसके अलावा वेट लॉस के लिए बेस्ट ऑफ ऑल है. जिन लोगों को है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है तो वो वीट से या रोटी या इस तरह की दूसरी फ्लावर से, ब्रेड से दूर रहें और फलों में ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इसको दें. जी व्यूअर, इसके अंदर हमने ये चार अदद केले लिए हैं. हम एक ग्लास बना रहे हैं और मुझे कोई सा भी शेक हो, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब हम शेक बना के खा ही रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इतनी अमाउंट लेनी चाहिए कि जो यूजुअली हम एक टाइम में नहीं ले पाते, हम चार एट अ टाइम नहीं खा सकते, तो जो कि खाने में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, नुकसानदेह भी नहीं है. तो फिर हम इससे इसका मिल्क शेक बना लेते हैं. साथ ही हमने इसके अंदर डालना है, एक गिलास दूध डाल दिया हमने इसके अंदर, एक गिलास दूध में. और इसमें बहुत ज़्यादा कोई इन्ग्रीडियंट है ही नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया ही केला इतना मज़ेदार है, इसमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. इसमें हमने तकरीबन 5 टीस्पून या फिर हमने इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून चीनी के डालने हैं. इसके अंदर ये टीस्पून डाले हैं तकरीबन 5. अब मैंने इसको ब्लेंड करना है. बर्फ़ डालनी है और बर्फ़ हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालनी. मैं इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 क्यूब ही डालूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं. जी बिल्कुल, हमारा शेक बिल्कुल देखिए तैयार. आपने ये बनाना का मिल्क शेक ज़रूर बनाना है और ख़ास तौर पर उन बच्चों को देना है जो बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, जो मोटे नहीं होते हैं, तो उन्हें आपने ये देना है ताकि वो थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर भी बेहतर हो और हेल्दी फीलिंग उनके अंदर आए, एक्टिव रहें वो. और सेकेंडली व्यूअर, ये ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर नीडो ऐड कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए या इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए. तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने इसी तरह बनाने हैं. आपने इसके अंदर बर्फ़ डाल के भी इसे ब्लेंड नहीं करना, बल्कि इसी तरह से बना के जब आप इसको पीने लगे उस वक्त आपने 1 से 2 क्यूब डालनी है या फिर इसको आपने बगैर बर्फ़ के कवर करके 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है. तो फिर इसका टेस्ट, फिर वो एडिशनल पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड नहीं होगा बर्फ़ का, तो आप इससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा. बहरहाल आप ज़रूर बनाइएगा और ये सीज़न का फल है, इसे आपने मिस नहीं करना. आखिर में हमें पुराने दो ऐड करते हैं, आप सब आमीन कहिए. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम.
रब्बना वसअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। इसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, मुहीत है हर चीज़ पर तेरा रहम और तेरा इल्म, तू बख्श उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले, और बचा उन्हें दोज़ख़ के अज़ाब से। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।